ग्रामरा की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी क्लास 12 एग्रीकल्चर के बायोलॉजी का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका पार्ट फर्स्ट है। इस लेसन का नाम है जैव प्रौद्योगिकी, इसकी परिभाषा, इसका इतिहास और इसका क्या महत्व है और उत्तक संवर्धन क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे और आगे इसके विभिन्न क्षेत्रों में क्या उपयोग है, क्या महत्व है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जैव प्रौद्योगिकी यानी इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के दो शब्द हैं मेन जिनसे लेकर जैव प्रौद्योगिकी शब्द बना है। तो यह दो शब्दों इंग्लिश के कौन से, बायोलॉजी और प्लस टेक्नोलॉजी। तो बायोलॉजी यानी जीव, जीव विज्ञान और टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी। तो जैव प्रौद्योगिकी किन दो शब्दों से, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी शब्दों से मिलकर बना है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे तो अपने क्या लिखेंगे, जैविक कारकों जैसे सूक्ष्म जीवों, कोशिकाओं और उनके अवयवों के नियंत्रित उपयोग से मानव के लिए उपयोगी उत्पादों या सेवाओं के उत्पादन को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, जो जैविक कारक हैं जैसे सूक्ष्म जीव हो गए, उनकी कोशिकाएं होगी, उनके जो अवयव हैं जिनको नियंत्रित करने के उपयोग से मानव के लिए उपयोगी उत्पाद बनाए जा सकते हैं और मानव के लिए उपयोगी सेवाओं का उत्पादन किया जा सकता है, उसे जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब इसमें जैव प्रौद्योगिकी में पात्र संवर्धन या इन विट्रो संवर्धन तकनीक का उपयोग किया जाता है। किसका, पात्र संवर्धन या इन विट्रो टेक्निक का उपयोग किया जाता है। तो पादप जैव प्रौद्योगिकी और जंतु जैव प्रौद्योगिकी, इसके दो प्रकार हैं। जैव प्रौद्योगिकी के कितने, दो प्रकार हैं, पादप जैव प्रौद्योगिकी और जंतु जैव प्रौद्योगिकी। तो पादप जैव प्रौद्योगिकी के बारे में अपने इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पादप जैव प्रौद्योगिकी क्यों की जाती है। तो पादपों में कुछ नए गुण विकसित करना, उनमें नई किस्में तैयार करना, उनमें कम समय में अधिक उत्पादन तैयार करने के लिए नई नई तकनीक की खोज की गई है, जिसके कारण पादप जैव प्रौद्योगिकी का पादपों में महत्व है। तो पादप जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखेंगे, जब जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग पौधों में आनुवंशिक सुधार आदि के लिए किया जाता है तो उसे पादप जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो जब पौधों में इसका उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पादप जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। केरी मुलिस ने, नोट करना, केरी मुलिस है, इसने पादप जैव प्रौद्योगिकी के लिए पीसीआर टेक्निक यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज की थी। इसमें क्या, एक ही समय में पादप के जीनों की हजारों प्रतियां, लाखों प्रतियां तैयार की जा सकती हैं। तो और जो पहला पुनर्योजन डीएनए बना था वो किसने बनाया, कोलबर्ग ने बनाया, और किसने, पात्रे तकनीक द्वारा कोलबर्ग ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए पुनर्योजन डीएनए तैयार किया था। इसके अलावा स्टेनले कोहन ने पहली बार पुनर्योजन डीएनए बनाया, किसने, नोट करना, स्टेनले कोहन, स्टेनले कोहन और हर्बर्ट बॉयर, स्टेनले कोहन में हर्बर्ट बॉयर ने क्या बनाया, पहला पुनर्योजन डीएनए जीव बनाया, पहला क्या बनाया, पुनर्योजन डीएनए जीव बनाया गया था। किसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा, स्टेनले कोहेन में हर्बर्ट बॉयर ने यह बनाया। तो ये तो इसके, इसके अलावा और भी सूक्ष्म जीवों के उपयोग से एसीटोन बनाया गया था, ब्यूटेनोल, सिट्रिक अम्ल, ये क्या तैयार किए गए थे जैव प्रौद्योगिकी तकनीक द्वारा। ई कोलाई जीव का उपयोग करके इंसुलिन हार्मोन
उसके बारे में पढ़ते अपने इसमें किसी दूसरे को
में पूरा पढ़ेंगे।